हेलो दोस्तों, मैं सीएम गौरव, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईप्लैप में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट GSTR-1 को लेके। GSTR-1 की जो ड्यू डेट्स है अगेन एक्सटेंड कर दी गई है। आपको पता है कि GST काउंसिल ने अपनी 38th मीटिंग में 18 दिसंबर 2019 को ये डिसाइड किया था कि GSTR-1 की जो ड्यू डेट्स है उनकी हम डेट्स को बढ़ाएंगे और जो भी लेट पेनल्टीज़ हैं GSTR-1 पे वो नहीं लगेगी किन टैक्स पेयर की जिन्होंने अपना जुलाई 2017 से लेके नवंबर 2019 तक के रिटर्न्स को फाइल नहीं किया है, या इन इन पीरियड के बीच में अगर इनके कोई रिटर्न्स ड्यू हैं तो वो अगर अपना रिटर्न्स 10 जनवरी 2020 तक फाइल कर सकते हैं, उनको उनकी लेट फीस वेव कर दी गई थी। कुछ दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक दूसरा ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई जो हमने 18 दिसंबर 2019 को ये बोला कि भाई आपके रिटर्न की लेट फीस नहीं लगेगी, तो उसकी वजह से 54 लाख GSTR फाइल हुए हैं, ठीक है, 9/1/2020 तक, ठीक है। अब चूंकि 54 लाख GSTR ऑलरेडी फाइल हो चुके थे, उन्होंने एवरेज 25 लाख GSTR मंथली बेसिस पे डेली फाइल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि चलो इसकी डेट्स को थोड़ी सी और आगे बढ़ा देते हैं ताकि जो बचे हुए GSTR-1 हैं लोग फाइल कर सके, ताकि जो 2A के अंदर जो क्रेडिट है लोगों का वो मिलने लगे और वो दिखने लगे, ठीक है। तो आज शाम को 10 जनवरी 2020 को गवर्नमेंट ने एक दूसरा ट्वीट किया है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि हमने GSTR-1 की जो डेट है वो फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है, और वो कब तक एक्सटेंड कर दी गई है, तो 10 जनवरी 2020 से ले से वो एक्सटेंड करके 10/17/2020 तक कर गई है। तो जो भी टैक्स पेयर है जिन्होंने अपना GSTR-1 अभी अपडेट नहीं किया है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, वो अपना GSTR-1 अपडेट कर सकते हैं। कब तक? 17 जनवरी 2020 तक, बिना किसी पेनल्टी के साथ। तो आशा है आप लोग अपना GSTR-1 रिटर्न फाइल कर लेंगे ताकि आपकी जो रिटर्न्स मिसमैच हो रही है, अनमैच हो रही है, ठीक है, वो कम से कम कम की जाए, ठीक है। थैंक यू।